प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने उन्हें बधाई दी, साथ ही उन पर बेरोजगारी को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 90,000 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन मोदी सरकार को चिंता नहीं है, इसीलिए कांग्रेस आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगार दिवस मना रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए, उनका जन्मदिन है, और वहीं पिछले एक साल में देश के 90,000 नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण, ठप पड़े हुए काम के कारण, पेट पर पड़ी हुई लात के कारण। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया सुबह, जिसमें एक आंकड़ा बताया गया कि देश भर में 1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में थे, जिनमें से करीब 1 लाख लोगों को नौकरी मिली है। वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, अगर खाली पड़ी हुई सरकारी नौकरियों के पद को भरने की बात हो, अगर नए रोजगार के सृजन की बात हो, तो मोदी सरकार लगातार नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करती आ रही है। कोई भी सवाल अगर बेरोजगारी पे पूछा जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था ने 24% का गोता क्यों खाया, तो जवाब होता है कोरोना। सारी अपनी विफलताओं नाकामयाबियों का ठीकरा कोरोना के सर पर फोड़ दिया जाता है। पर सच्चाई तो ये है कि बेरोजगारी का आलम तो देश में कोरोना के संकट से काफ़ी पहले से चरम पर पहुंच गया था। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार ने हमें पहले ही दे दी थी, और यही नहीं, बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाना शुरू कर दिया। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2-3 पदाधिकारियों ने इस बात पर इस्तीफा दिया कि सरकार आंकड़ों के साथ घपला कर रही है। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया और मोदी सरकार बगलें झांकती है। और यही कारण है साथियों कि आज पूरा देश मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना रहा है। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।